हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है विटामिन सी के बारे में, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन सी के बारे में, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आपको विटामिन सी के बारे में नॉलेज चाहिए तो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी पढ़ने से पहले एक चीज़ और बताते हैं हम आपको। इससे पहले हम विटामिन ए, डी, ई, के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक एक विटामिन को हम एक एक वीडियो में लेके चल रहे हैं, यानी विटामिन ए का हमारा अलग वीडियो है, बी का अलग वीडियो है, के का अलग है, ई का अलग है, ये सब यानी जो भी विटामिन हम पढ़ रहे हैं सबका अलग अलग वीडियो बनाते चलेंगे हम। ठीक है, तो विटामिन सी की हम बात कर रहे हैं। विटामिन सी यानी विटामिन सी क्या है? विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी विटामिन सी जो है पानी में क्या है? घुलनशील है। ठीक है, इसके पहले जो चार हम विटामिन पढ़ाए हैं वो क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। केमिकल नेम क्या है इसका? एस्कर्बिक एसिड नेम है। फंक्शन क्या होता है इसका? यानी इसका हमारे बॉडी में, इसका खुद का कार्य नहीं है, हमारे बॉडी में ये क्या कार्य करता है? बाहर तो रहेगा तो कोई कार्य नहीं करेगा, लेकिन हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है। यानी हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है? ये हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट सेल्स एंड कीपिंग देम हेल्दी। यानी क्या करता है? हमारे जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको हेल्दी रखने का काम करता है, स्वस्थ रखने का काम करता है। कौन? विटामिन सी। और क्या करता है? हेल्पिंग विथ वुंड हीलिंग, यानी जो भी घाव होते हैं हमारे बॉडी पे, उन घाव को क्या करता है? हील करने का काम करता है, यानी ठीक करने का काम करता है। ठीक है, ये है इसका फंक्शन। अब इसके सोर्स की हम बात करें, यानी इसका सोर्स क्या है, हम कौन सी चीज़ खा के अपने बॉडी में विटामिन सी की मात्रा को बनाए रख सकते हैं? तो इसका मुख्य सोर्स है सिट्रस एंड अदर फ्रूट्स, यानी जो भी खट्टे फल होते हैं या फिर सब्जियां होती हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। यानी एक तरह से हम कहें कि जो भी विटामिन सी के सोर्स हैं वो कैसे होंगे? खट्टे होंगे। ठीक है, यानी खाने में वो खट्टे लगेंगे। तो कौन कौन से खट्टे इसके सोर्स हैं? देखिए, लाइक ऑरेंज, संतरा हो गया, संतरा खट्टा होता है, मौसमी हो गया, मौसमी भी खट्टा होता है, लेमन हो गया यानी नींबू, इसके साथ साथ टमाटो, टमाटो भी खट्टा होता है, ब्रोकली, ब्रोकली भी खट्टा होता है, कीवी भी होता है, कीवी। ठीक है, यानी लगभग जितने भी सारे खट्टे पदार्थ हैं उन सबको खाने से विटामिन सी का पर्याप्त मात्रा हमारे बॉडी में बनी रहेगी। ठीक है, यदि हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है विटामिन सी की, तो उसके डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा? तो उसके डिफिशियंसी से होगा ब्लीडिंग गम्स, यानी जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, ब्लड निकलेगा। ठीक है, यानी मसूड़ों से बार बार ब्लड निकलने लगेगा। ज्वाइंट पेन, यानी जो भी ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट, ज्वाइंट क्या है? जो हमारे दो बोन है, दो बोन जहाँ पे आपस में कनेक्ट होती है वही क्या है? ज्वाइंट है। तो उन ज्वाइंट में क्या होगा? पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। जैसे मान लीजिए यह हमारा हाथ है, तो हाथ पे हमारा ये क्या है? एल्बो है, कोहनी है। तो इस कोहनी में एक इधर बोन है, एक इधर बोन है, दोनों बोन क्या है? आपस में जुड़ी हुई है। तो इनके बीच का जो ज्वाइंट बना है वही क्या है? ज्वाइंट है, बोन का ज्वाइंट है। तो इसमें क्या होगा? पेन होने लगेगा, दर्द होगा। जितने भी ज्वाइंट है सब में क्या होगा? दर्द होगा। और क्या होगा? वीकनेस होगी, कमजोरी होगी। यानी जो व्यक्ति है, यदि विटामिन सी की कमी है तो उसको क्या होगा? कमजोरी होगा। ठीक है, अब इसके रिक्वायरमेंट की हम बात कर लेते हैं, यानी किसी व्यक्ति को पर डे विटामिन सी की कितना आवश्यकता होती है, यानी उस व्यक्ति को पर डे उतना विटामिन लेना ही चाहिए सी। देखिए, कितना लेना चाहिए? यदि हम 18 प्लस की बात करें, यानी कोई भी यदि व्यक्ति है जो 18 प्लस में है, तो उसके लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है 75 mg पर डे। किसके लिए? फीमेल के लिए। यानी 75 ग्राम मिलीग्राम पर डे किसको चाहिए? फीमेल के लिए। किसकी है? किसका है?
18 प्लस यानी 18 से ऊपर के जितने भी लोग होंगे उनके लिए 75 मिलीग्राम क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। मेल की हम बात करें तो मेल का जो 18 प्लस होगा उसके लिए 90 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हम बात करें तो प्रेगनेंसी में इसकी मात्रा होती है 85 मिलीग्राम पर डे। लैक्टेशन यानी जब दूध पिलाने वाली महिला है तो उस महिला के लिए इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 120 mg पर डे यानी 120 मिलीग्राम पर डे। यह है विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा। 18 प्लस के नीचे जब हम जाएंगे तो इसकी मात्रा, जैसे मान लीजिए 0 से हम 3S की बात करें तो 0 से 3S की तक 45 हो जाता है, 40 हो जाता है, यानी ये मिनिमम रेशियो है, एवरेज है। इतने में लगभग 18 प्लस के जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, लेकिन ये एवरेज है, ठीक है, ये जो बताए हैं एक एवरेज में है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का विटामिन सी। उम्मीद करते हैं जो भी हम बताए हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या आपको लगे कि हमने कोई चीज़ मिस्टेक किया है, छोड़ दिया है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उस चीज़ को कम्प्लीट कर देंगे। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को भी सुधार देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।